हरतालिका तीज व्रत सरलतम तरीके से कुंवारी लड़कियां कैसे करें वीडियो में जानेंगे। मनोकामना के लिए एक काम आपको बिना व्रत के भी करना है, इस वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे कि कई बच्चों के मांगलिक दोष होता है और शारीरिक मानसिक रूप से लड़कियां परेशान रहती हैं, चाहती हैं कि मुझे जो है उत्तम वर मिले और जीवन में जो विवाह की परेशानी चल रही है उसका निदान हो जाए, तो इस दिन कुछ कार्य आपको ज़रूर से करने चाहिए। जैसे कि हरतालिका तीज व्रत स्वयं माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए किया था। यह व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है सौभाग्य के लिए। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला सभी के लिए यह व्रत बहुत उत्तम और थोड़ा सा कठिन भी है, परंतु इसे कठिन बनाया जाए तो यह कठिन है। सरलतम विधि से कुंवारी लड़कियां इस तरह से व्रत करें, ध्यान से सुनिएगा और उन लड़कियों तक यह शेयर कर दीजिए जो कि प्रथम बार इस व्रत को कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत सुंदर मन से अगर पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो जरूर से कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करें, सुंदर सफ़ेद, नीले, काले ऐसे कपड़े ना पहने, सुहाग व्रत के दिन अच्छे नहीं माने जाते, इस चीज़ का ध्यान रखें। मेहंदी आप लगा लीजिए और साथ ही अगर आपका विवाह होने वाला है तो भी इस व्रत को जरूर से कीजिएगा। आप सभी को एक एक चूड़ी जो भी है जैसी भी है आप पहन लीजिए, क्योंकि सुहाग से संबंधित ही व्रत है। इससे बहुत मन में प्रसन्नता होती है और अच्छा जो है ऐसा मन प्रसन्न रहता है। छोटी सी बिंदी वगैरह लगा लीजिए और लाल या पीला दुपट्टा ले लीजिए। उसके बाद आपके यहाँ जैसा भी सुहाग की सामग्री पहनी जाती है छोटी छोटी सी वह पहन लीजिए। जैसे सुहागिन महिलाएँ तो 16 श्रृंगार करती हैं, परंतु आप कम ही सही जो है इसे कर लीजिए। फिर आप सभी को विशेष तौर पर जैसे सुहागिन महिलाएँ इस व्रत निर्जल करती हैं, परंतु आपके बस का ऐसा है नहीं, क्योंकि कुंवारी लड़कियों के लिए ऐसा नियम नहीं है कि वह निर्जल रहे। हाँ, आपकी स्थिति अच्छी है, आप निर्जल किसी व्यक्ति के लिए व्रत रखना चाहती हैं तो जब संकल्प लेंगी तो निर्जल निराहार व्रत का संकल्प ले सकती हैं। नहीं तो कुंवारी लड़कियां बड़े प्रेम पूर्वक सरलतम तरीके से जो है इस व्रत में फलाहार कर सकती हैं, जल भी पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण सरल तरीके से भी इस व्रत को कर आप उचित फल की प्राप्ति कर सकती हैं। जब आप संकल्प लेंगे तब कहें, महादेव हे माँ पार्वती, मैंने इस कामना के तहत आज हरतालिका तीज व्रत करने जा रही हूँ, मेरे व्रत को सफल करें, ऐसी प्रार्थना कर फलाहार जल इत्यादि ग्रहण कर चाय पानी वगैरह लेकर आप व्रत कर सकती हैं, ठीक है। अब आप सभी को इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय करना है, वह है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा। आप जानते होंगे कथा में भी वर्णित है, शास्त्रों में भी कहा जाता है, मांगलिक दोष है, किसी तरह से आपको लगता है कि मुझे इसी घर और वर की प्राप्ति चाहिए, मैं इस उपवास को नहीं कर पा रही हूँ या मैं उपवास कर रही हूँ तो भी आज मैं जो है इस कामना के तहत पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के बालू रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करूँगी। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप छोटे से, ज़्यादा बड़े स्वरूप में नहीं कर सकते, छोटे से पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, माता पार्वती और गणेश जी महाराज बना लीजिए। कठिन अवस्था नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, छोटे से पार्थिव शिवलिंग बनाए, यह मनोकामना का महाव्रत माना जाता है और यह सबसे बड़ा उपाय होता है। तो आप सभी को पार्थिव शिवलिंग बनाकर इस दिन पूजन जरूर से करना है। उसके बाद आप यह पूजा सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, दोनों समय। वैसे इस व्रत की पूजा का नियम होता है सुबह जो है साधारण सरल सी पूजा की जाती है, संकल्प लिया जाता है, दीप लगाकर विधान से पूजन किया जाता है और पूरे दिन भर में प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए शाम को प्रदोष काल में, जो इससे पहले वीडियो आई है शुभ मुहूर्त उसमें बता रखा है, आप शाम को या तो मंदिर जाकर या घर पर या बेलपत्र पेड़ के नीचे विधि विधान से माँ पार्वती की प्रतिमा फोटो विराजमान कर पूजा करने का प्रयत्न करें। बेलपत्र जरूर से इस दिन चढ़ाएं, आंक, धतूरा, भस्म, जो भी महादेव को प्रिय वस्तु है वह चढ़ाएं। यह तो प्रथम उपाय हो गया, आपको जरूर से बिना व्रत के भी इस दिन हरतालिका तीज पूजा में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना ही है, कोई पैसा समय लगता नहीं है, बहुत सरल इसकी प्रक्रिया होती है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से जो है इस दिन विशेष तौर पर प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए सुहाग की सामग्री बिना व्रत के भी कर सकते हैं, लंबे समय से परेशान हैं या व्रत करते हैं तो भी यह उपाय आपको करना है। सुहाग की सामग्री माता गौरी को चढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाल, पीली या हरे रंग की वस्तु चुनाव करें। 16 श्रृंगार थोड़ा कठिन है माँ को समर्पित करना है, कोई बात नहीं, जोड़े में या तो 5 ले लीजिए या आप जो है 4 ले लीजिए, इच्छा आपकी है। 5 अंक शुभ माना जाता है दान करने के लिए, तो आप जोड़े में 2-2 करके जैसी भी आपकी इच्छा है बिछिया जरूर से रखिएगा, माँ को प्रिय है, सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। साथ ही
मेहंदी, महावर, सिंदूर, यह तो कम से कम बिंदी, पांच चीज़ें आपको रखनी है और माता रानी को समर्पित कर देनी है। बाद में अपने घर के मंदिर में समर्पित कर रहे हैं तो किसी पंडित ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान में दे दीजिएगा, पंडितायन को, या किसी मंदिर प्रांगण में दान कर आ जाइएगा। माता गौरी के चरणों में अगर समर्पित कर रहे हैं तो यह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप सभी को यह कार्य तो करना ही है, सुहाग का दान करना है, सामग्री माँ गौरी को चढ़ानी है। साथ के साथ एक उपाय जो कि आपको जो है बहुत मनचाहा वरदान देगा और विवाह के अड़चनों को दूर करेगा, वह है किसी मंदिर में फुलेरा बांध कराना। पांच फूलों की माला को एक सुंदर स्वरूप में बनाया जाता है, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह फुलेरा कहलाता है। इस फुलेरा को किसी मंदिर में माँ गौरी और महादेव के ऊपर इसे लटका कर आते हैं मंदिर प्रांगण में, या जहाँ पर भी फुलेरा का आप दर्शन करते हैं तो यह भी मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।